161 फीट 10 एकड़ में बनेगा यह रामलला का मंदिर। उसी को लेकर पूरे देश में सहयोग राशि खुशी से लोग दे रहे हैं। उसी क्रम में आज मेदिनीनगर नगर निगम के सफाई कर्मचारी आज 6 मुहान चौक सफाई कार्यालय में सफाई कर्मी सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रसीद कटवाया। मौके पर मेदिनीनगर निगम के डिप्टी मेयर राकेश कुमार सी उर्फ मंगल सिंह ने कहा कि सफाई कर्मी के द्वारा सूचित किया जा रहा था मुझे यहाँ पर आने के लिए। उसी क्रम में आज आने के बाद लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सहयोग राशि दान किया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी एक ऐसे वर्ग से आते हैं, इनके बिना समाज को चलना दुर्बल है और इनके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा शहर सुंदर और अच्छे ढंग से लगे, इसलिए इनकी सभ्यता सबसे पहले मानी जाती है। हम लोग के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण में एक गिलहरी की भांति सहयोग करने के लक्ष्य में हमारे इस मेदिनीनगर निगम के तमाम कर्मचारी नित्य आग्रह कर रहे थे कि एक दिवजों के लिए यहाँ पर आप लोग आए और हम लोग सब मिलजुल करके इकट्ठा सहयोग करें और इस समर्पण में हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित करें। हम लोगों ने आकर के मिल करके मुस्लिम परिषद के लोग संगठन के कार्यकर्ता और हम लोगों ने संयुक्त रूप से आकर के इन लोगों के बीच बैठ करके, क्योंकि सफाई कर्मी समाज का एक ऐसे वर्ग से आते हैं कि इनके बिना समाज को चलना दुर्लभ है और इनके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा शहर सुंदर और अच्छे ढंग से लगे, इसलिए इनकी सहभागिता सबसे पहले मानी जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रयाग के मेले में उनके चरण को धोए थे। अनेकों उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि आज पूरा देश कोरोना से जब पीड़ित था, ये सफाई कर्मी पूरे कोरोना काल में अपना सहायता दे रहे थे, सफाई कर रहे थे, इसलिए ये वंदनीय के पात्र हैं, आदरणीय के पात्र हैं। हम इन्हें कोटि 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 नमन करते हैं और इस आशा के साथ आज हम लोग एक यहाँ पर बैठ करके श्री राम प्रभु जिस प्रकार वन में वनवासियों को गले लगाए, जिस प्रकार नाव में बैठने से पहले केवट ने उन्हें चरण को धोए थे, श्री रामचरित मानस में जिस प्रकार से श्री राम जी का कार्य का किया हुआ कार्य को लिखा गया है, उसी उद्देश्य से आज श्री राम प्रभु का जो मंदिर बन रहा है, तो हम इनकी सफलता से हम लोग बहुत ही गदगद हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार का राज्य जिस प्रकार से राम जी ने चलाए थे चले, यही उद्देश्यों के साथ हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए थे। आप सभी मीडिया बंधु को भी इस पुनीत कार्य के लिए हम बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी सब मिलजुल करके, हम सभी पूरे हिंदू समाज मिलजुल करके इस कार्य को करेंगे। जैसे काम इस सदी में जो लोग जन्म लिए हैं उनके लिए यह जन्म उनका सार्थक हो रहा है, जो प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने हेतु आज हमारे कितने पूर्वज अपना बलिदान दिए, उस बलिदान का फल स्वरूप आज भारत में नरेंद्र मोदी ऐसा शासक है जिनके नेतृत्व में यह शुभ काम और सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में जो उनका निर्णय हुआ, एक कहा जाए तो अप्रत्याशित
ये कार्य हुआ है, जो भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, उसमें एक एक जन अपना समर्पण के रूप में, चाहे जो भी जिससे बन रहा है, वो अपना समर्पण भगवान श्री राम के प्रति स्नेह और श्रद्धा रखते हुए बहुत उत्साह के साथ कर रहे हैं। हम गर्मियों में राम मंदिर को लेकर काफ़ी उत्साह रहा है और लगातार हम लोग उसमें, हमारे मंगल बाबू हैं उनसे संपर्क में रहे, हमारे कर्मी हम लोग भी संपर्क में रहे हैं कि जो हमारे देश में राम मंदिर का कार्य चल रहा है उसमें अपना भी सहयोग हम लोग दें। नगर निगम में कर्मियों ने अपना सहयोग उसमें दिया है, जिससे जो बना उन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया है और आगे भी हम लोग सहयोग करते रहेंगे।